नमस्कार, वेब दुनिया खबरों में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। नहीं खुलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएमओ ने कहा है कि सरकारी प्रक्रिया की नियमावली में प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का विशेष अधिकार होने संबंधी कोई भी उल्लेख नहीं है। तिरुवनंतपुरम के सृजित पनिकर ने पीएमओ को आरटीआई आवेदन भेजकर पूछा था कि नेताजी की गुप्त फाइलों को सामने लाने के बाबत पीएम की ओर से क्या कोशिशें हो रही है। आज होगी पीएम मोदी के सूट की नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंद गले वाले विवादास्पद सूट को बुधवार से शुरू हो रही 3 दिवसीय नीलामी में नीलाम करने के लिए रखा जाएगा। यह सूट मोदी ने पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान पहना था, जिस पर सफेद धारियों में उनका नाम जड़ा था। राजनीतिक तूफान खड़ा कर देने वाले इस सूट की नीलामी उन 455 चीजों के साथ की जाएगी जो मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उनके लगभग 9 महीने के कार्यकाल के दौरान उपहार में मिली है। इनसे होने वाली आय प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी स्वच्छ गंगा मिशन में इस्तेमाल की जाएगी। भागवत बोले, माताएं बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा है कि हमारी माताएं फैक्ट्री नहीं है, बच्चा पैदा करना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ये बयान उन्होंने कानपुर में संघ के एक कार्यक्रम में दिया। हालांकि भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी को बोलने से नहीं रोक सकता, मगर लोगों को कुछ बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने एक बयान में कहा था कि मैं हिंदू महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वे कम से कम 4 बच्चों को जन्म दें, उनमें से एक साधुओं और सन्यासियों को दे दें। और मीडिया कह रहा है कि सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हो रही है, इसलिए एक को सीमा पर भेजें।